गुना जिले के चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि पानी की समस्या पूरे देश में है और नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें 4500 नदियां सूख चुकी है, लगभग 20 लाख तालाब कुएं बावड़ी सूख चुकी है, बहुत ही गंभीर समस्या है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जल मंत्रालय अलग बनाया है। राज्य सरकार ने भी पेयजल सिंचाई के लिए बजट बढ़ाया है और देने वाले हैं, इसीलिए तालाब का गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए पानी के अधिकार का कानून बने जिसमें सरकार काम कर रही है और जनता के सहयोग से, सरकारी एजेंसियों के सहयोग से सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि पेयजल हर घर घर में मिले। कईयों के घर में 5 से 6 दिन में पानी आता है। इस समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने भोजन के अधिकार का नियम बनाया था, वैसे ही हम पानी के अधिकार का नियम बनाएंगे। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा है कि चाचौड़ा विकास कार्य अपनी गति से चल रहा है और धीरे धीरे दौड़ना शुरू होगा। राज्य में पानी की समस्या पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर गुना जिला। देखिए, पानी की समस्या पूरे देश में है और नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है अभी, जिसमें 4500 नदियां देश में सूख चुकी हैं, लगभग 20 लाख तालाब कुएं और बावड़ियां सूख चुकी हैं या फूल गई हैं। बहुत ही गंभीर समस्या है और यही देखते हुए केंद्र सरकार ने एक जल मंत्रालय भी अलग बनाया है, जहां प्रदेश की कमलनाथ सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े